कवर्धा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां रामकृष्ण स्कूल एडमिशन कराने स्कूटी से जा रहे माँ और बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। इस हादसे में मौके पर 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, वहीं माँ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला भी टीचर है, जो अपने बेटे को रामकृष्ण स्कूल एडमिशन कराने स्कूटी से जा रही थी। उसी दौरान माँ और बेटे को ट्रक ने कुचल दिया है। इस हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। महिला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की निवासी है। मृत बच्चे का नाम पूरब सोनी है, तो वहीं उसकी मां का नाम इंदु सोनी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।